बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो फुकरा इंसान और साथ ही साथ आपको बता दें मनीषा बैठकर बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर मनीषा ने पूरा एक्सपोज कर दिया है पूजा भट्ट को। और पूजा भट्ट को एक्सपोज करने के बाद फुकरा को लग रहा है बहुत बुरा, क्योंकि दोस्तों फुकरा को लगा नहीं था कि वह ऐसी होंगी। पूरा वाक्य बताते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई टाइम है तो यार इंस्टा पे भी फॉलो वॉलो कर दो। तो बताते हैं क्या हुआ है लाइव फीड के अंदर। मनीषा जो है वो और फुकरा बैठे हुए हैं, इसी दौरान मनीषा बताती है कि पूजा भट्ट साइरस के अंडों को लेकर टॉन्ट मार रही थी। दरअसल जब साइरस गए थे तो साइरस के जो अंडे थे, मतलब जो उनके राशन के अंडे बचे हुए थे, वो अंडे रखे हुए थे। तो साइरस के जाने के बाद ये लोग सब बात कर रहे थे कि यार साइरस सर को मिस करेंगे, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे ही मजाक में बात निकल कर आई कि यार साइरस सर के जो एक्स्ट्रा अंडे सलमान सर ने भिजवाए थे वो तो बचे ही हुए हैं, तो उनका क्या। तो उसी बारे में बात हो रही थी, तो मजाक मजाक में इन्होंने ये बात कह दी थी कि ठीक है ये हम खा लेंगे। तो वहीं बैठी पूजा ने ये बात सुन ली। तो पूजा ये बात कहती है कि तुम्हारा इंटेंशंस ये था कि साइरस चला गया और तुम लोगों को अंडे खाने थे। अब ये बात मनीषा बता रही है फुकरा इंसान को, क्योंकि पूजा जो है वो ये बात मनीषा को कह चुकी है। और उसके बाद फिर पूजा जो कि डेली एक अंडा मनीषा को देती है, हालांकि मनीषा उससे खुद मांग कर ही अंडा लेती है, तो वो डेली एक अंडा मनीषा को देती है। अब ये एक अंडा देने की वजह से मनीषा को पूजा ने इतना सुना दिया। मनीषा को पूजा कहती है कि घर के अंदर अगर राशन खत्म हो जाएगा तो मैं सिर्फ नमक और पानी से काम चला लूँगी, और लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी राशन की। तो यहाँ तो इंटेंशली वो मनीषा को कह रही है कि तुम मुझसे भीख मांगती हो। इस बात को सुनने के बाद फुकरा इंसान कहते हैं कि छी यार छी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूजा भट्ट ऐसी बातें बोलेंगी। मुझे लगा नहीं था कि बेबी का से सुन लेता तो भी ऐसा होता, किसी से भी सुन लेता तो मेरे दिमाग में चीज़ नहीं आती, पर पूजा भट्ट ने ये बातें बोली है। बहरहाल इसके बाद मनीषा और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, जिसकी वजह से फुकरा इंसान समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं पूजा को भी मैं आँखों में खटकने लगा हूं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, आपका क्या कहना है, क्या बेबी का इन्फ्लुएंस कर रही हूं मैं, कमेंट ज़रूर कर दें। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें, देखो देखो।